हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। एंड आज हम बात करेंगे AWO TPO की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इसकी छुट्टियां कितनी मिलती हैं, ड्यूटी आवर क्या है, क्या रह सकता है, क्या बाहर ड्यूटी जाते हैं नहीं जाते, और किस तरीके से ये अंदर इंटरनली कैसे काम करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। ओके, लेट स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है चंदा राव और आज हम बात करेंगे AWO TPO। AWO का मतलब है असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और TPO का मतलब है टेली प्रिंटर ऑपरेटर। सबसे पहले हमें बता दें कि जैसे अब ये दोनों नाम आप एक साथ सुनते हैं, इनकी भर्तियां भी एक साथ आती हैं, तो एक वक्त से पहले ये दोनों भर्तियां अलग अलग होती थी। और जैसे अब ये दिल्ली पुलिस के अंडर है, दिल्ली के जो CP है दिल्ली पुलिस के, उन्हीं के अंडर AWO TPO के सारे ऑपरेटर्स काम करते हैं। लेकिन एक वक्त पर ये MHA के ही डायरेक्ट अंडर में आते थे और वहां से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिल्ली पुलिस भेजती थी, तो वहां से ऑपरेटर दिल्ली पुलिस को दिए जाते थे। लेकिन अब सब दिल्ली पुलिस के अंडर ही है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। अब जॉब प्रोफाइल में आप सब जानते हैं, इनके नाम से पता चल रहा है वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर, लेकिन आप जानते नहीं होंगे इनका मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा लोकल पुलिस या कहीं भी जो भी पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा अगर बाहर ड्यूटी कर रहा है, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से अगर शेयर करनी है, आपस में कोऑर्डिनेट करना है, तो छोटा सा वॉकी टॉकी अपने साथ रखते हैं, उसमें वो बोलते रहते हैं। तो आप जानते हैं वो जो बोलते हैं तो वो कहाँ जाता है, जब वो बोलते हैं तो वो जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है उसको रिसीव जो कर रहा है, वो रिसीवर आपका वही वायरलेस ऑपरेटर होता है, जो उसको रिसीव करके नेक्स्ट कहाँ उसको ट्रांसफर करना है, किसके रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन है, वही बंदा उसको आगे करता है। दूसरी बात, इसको वर्क करने के लिए ना अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंट बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्थ है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 3rd बटालियन हो गई आपकी, 6th बटालियन है, 5th बटालियन है, 2nd बटालियन है, 3rd बटालियन है, मतलब इनमें क्या है, सारे अलग अलग बटालियन में, इनमें सब में एक हेड ऑफिस होता है। और ये सब किससे कनेक्ट होते हैं, एक मेन दिल्ली पुलिस का PHQ हेडक्वार्टर जो होता है, में जो ऑफिस है वहाँ से, सारे डिस्ट्रिक्ट सारी ब्रांचेज वहाँ से कनेक्ट है, जितने भी अलग अलग यूनिट बनी हुई है सब वहाँ से कनेक्ट है, डिस्ट्रिक्टों से कनेक्ट है। अब वो जो डिस्ट्रिक्ट और जो यूनिट में है, उन यूनिट में भी छोटी छोटी जो अलग अलग इकाइयाँ बनी हुई है, जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें अलग अलग थाने हैं, तो थानों में भी वो लोग अपना अपना एक एक ऑपरेटर बैठाते हैं। तो जब डिस्ट्रिक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन आई, कोई मैसेज आया, वो पहुँचा कहाँ पर, अलग अलग थानों में उन्होंने भेजा। थानों में उनके अपने अपने एक एक बंदे बैठे होते हैं जो उसको रिसीव करेंगे, और जो भी जिसको भी देना है थाने लेवल पर, वो किसके काम का है, यूनिट लेवल पर वो किसके काम की इन्फॉर्मेशन है, वो उनको वो ट्रांसफर करते हैं, वो उनको दे के आते हैं, बताते हैं या मैसेज से या फिर अपने हाथ से लिखते हैं, जो वायरलेस ऑपरेटर होते हैं, या फिर आजकल सिस्टम हो गया है कंप्यूटर पे मैसेज, जैसे कॉल मैसेज सारे उस पर आते हैं, तो आपस में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं कि भाई ये आपको कंप्यूटर पर रिसीव हो गया, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज वो साइड से लिखवा देते हैं। फिर सर ये है कि अब ये कनेक्ट तो आपस में ऐसे हो गए, लेकिन क्या ये स्टेट लेवल पर भी एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं? क्या आप जानते हैं कि पुलिस स्टेट लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट होती है क्या? जी हाँ, जो तार, जो मेन कड़ी होती है एक दूसरे को जोड़ने की, वो यही होते हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। AWO TPO ऑपरेटर ही होते हैं जो एक दूसरे के हेड ऑफिस से मैसेज एक्सचेंज करते हैं। आपने सुना है एक जगह जब कोई मिसिंग हो जाता है ना, कोई बंदा अगर मिसिंग होता है तो उसका जो मैसेज कटवाना होता है तो उसको दूसरे स्टेट में भी फॉरवर्ड किया जाता है, उसको टेली प्रिंटर ऑपरेटर होता है वही उस मैसेज को दूसरे स्टेट के हेडक्वार्टर तक पहुंचाता है कि भाई ये बंदा हमारे यहाँ से मिसिंग है और अगर आपके यहाँ मिलता है तो हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट किया जाए। वो वहाँ के हेडक्वार्टर के उसमें नंबर भी मैंशन करता है, क्योंकि जैसे लोग बोलते ना कि ये बंदा मिसिंग हो गया, पुलिस कुछ नहीं कर रही, ऐसा कुछ नहीं है। अपने लेवल पर वो हर एक एफर्ट करती है और ऐसे ही हर एक स्टेट में जैसा लगता है उचित कि यहाँ देना है यहाँ नहीं भिजवाना, उसके अकॉर्डिंग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। क्राइम के मामले में भी ऐसे ही एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं। तो ये तो हो गया कि कैसे ये चेन चलती है। इसमें अलग अलग लेवल के अलग अलग बहुत सारे नेट होते हैं, अलग अलग सिस्टम है, जैसे मेन एडमिन हो गया, उसके बाद अलग अलग लेवल पे अलग अलग होते हैं, इंस्पेक्टर लेवल पे अलग होता है, ACP लेवल पे DCP साहब का अलग नेट होता है, लोकल अगर बीट ऑफिसर की बात करें उनका नेट अलग होता है, तो ऐसे ही सारे ये अलग अलग होते हैं। अब इनकी जॉब प्रोफाइल के आखिर फिर ये मैसेज देते हैं तो फिर किस किस टाइप के मैसेज देते हैं? आपने सुना होगा दिल्ली में अगर कोई भी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। पहले जो 100 नंबर था, अब 112 है, तो उस पर जब कॉल करते हैं तो जो रिसीव करते हैं, जो PHQ में बैठे हुए हैं जो रिसीव करते हैं, उनमें ये बंदे भी हैं और उनमें एग्जीक्यूटिव के भी लोग अपनी इच्छा से चले जाते हैं, तो उसमें मिक्स होते हैं, बट नॉर्मली उन्हीं का काम होता है। ये लोग वहाँ कॉल रिसीव करते हैं, PHQ में कॉल रिसीव करने के बाद वो देखते हैं कि ये किस डिस्ट्रिक्ट किस यूनिट के रिलेटेड ये
कॉल है उसको वो उस डिस्ट्रिक्ट में कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रांसफर कर देंगे। कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद भी वो जो ऑपरेटर बैठे हुए हैं वो देखते हैं कि किस थाने की है, तो उस कंसर्न थाने में वो कॉल ट्रांसफर कर दी जाती है। आजकल सिस्टम पर होता है सारा काम, सीसीटीएनएस पर चल रहा है, अदरवाइज अगर सिस्टम पर कई बार नहीं आती है तो फोन से पता कर लेते हैं कि भाई ये कॉल नहीं आई तो लिख लीजिए। अब भी अगर सिस्टम पर आती है तो वो लोग फोन करके बताते हैं कि ये कॉल आ गई या नहीं आई, अगर नहीं आई तो वो लोग कॉल से हमें लिखाते हैं वो सारी चीज़ें। ये तो हो गया कि हैंडहेल्ड पर जो डायल करते थे उसके, इसके अलावा अगर दिल्ली पुलिस में कोई भी काम चल रहा है, अब मान लीजिए अगर कोई दिल्ली पुलिस में कोई प्रोटेस्ट के बारे में अरेंजमेंट लगाना, अगर दिवाली होली की मान लेते हैं चलो, उसमें आउटर स्टाफ भी कितना आना है, कहाँ से आना है, कौन सा स्टाफ कहाँ रिपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें इन्हीं के जरिए आपस में कनेक्ट होती है। तीसरा अगर बात करें तो जो हमारे सीनियर्स हैं अगर कोई भी ऑर्डर वो पास करते हैं या कोई भी ऐसा मैसेज है जो क्विकली अभी जल्दी से सबके पास पहुंचना चाहिए और उसके ऊपर अभी एक्शन होना चाहिए, कोई भी ऐसा मैसेज अगर ऑर्डर है तो वो भी वायरलेस ऑपरेटर ही थाने तक टेलीप्रिंटर वाले जो बंदे होते हैं वही टाइप करके उनको थाने तक फॉरवर्ड कर देते हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी या कहीं भी आर्मी की कोई बटालियन जाती है तो उनके साथ उनमें सिग्नल करके बोलते हैं कुछ, तो उनकी अलग से एक टीम होती है जो वहाँ पर अपना नेटवर्क लगाती है, प्रॉपरली सारी चीज़ें सारा सेटअप करता है। तो वैसे ही ये दिल्ली पुलिस का वही अलग से कड़ी है जो जहाँ भी आपस में कनेक्ट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पर ये लोग अपना सेटअप लगाते हैं, अपने बंदे वहाँ ड्यूटी भी करते हैं और आपस में एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि ड्यूटी आवर क्या है इनका, तो ड्यूटी आवर में अगर हम बात कर लें तो इनका 6-6-12 है, जो भी AWTPO के हैं उनका 6-6-12 होता है। और जैसा कि हर एक दिल्ली पुलिस कर्मचारी को वीकली रेस्ट के लिए DCP साहब और ऊपर से ऑर्डर है कि वीकली रेस्ट मिलेगा, वैसे ही इनको भी वीकली रेस्ट मिलता है। और ऐसा नहीं है कि किस दिन मिलेगा, आप अपने चॉइस के हिसाब से ले भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे 6-6-12 में यह है, अगर आज मॉर्निंग 8 बजे से 2 बजे तक है दोपहर में, तो कल आप दोपहर में 2 बजे ड्यूटी आएंगे, नेक्स्ट डे आप 8 बजे आएंगे, तो हर एक ड्यूटी के बाद 24 घंटे का रेस्ट होता है, तो 6-6-12 ऐसे बनती है ड्यूटी। ये हो गया आपका ड्यूटी आवर। अब इसमें छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, तो छुट्टियाँ जैसे एग्जीक्यूटिव में होती हैं सेम वही है, वही 15 दिन की CL है, वही 33 दिन की आपको EL मिलेगी, और उसके अलावा वही 10-20 दिन का आपका मेडिकल अगर इमरजेंसी कोई आती है तो वो मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो छूट गया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना तो लाइक जरूर कर देना, इतने डीप इन्फॉर्मेशन किसी ने नहीं दी होगी राइट। बाकी जितने बच्चे इसमें आना चाहते हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और जब भी आप यहाँ आए तो ऐसा समझे कि मैं तो फिर दिल्ली पुलिस का हिस्सा रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो आप वर्दी में ही ड्यूटी करेंगे, जब आपकी ड्यूटी लगती है तो आप वर्दी में ही होते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना उन बच्चों के साथ में जो सच में सीरियस है डिपार्टमेंट में आने के लिए, तो शायद उनको ये वीडियो देखकर और ज़्यादा अंदर से मोटिवेशन आएगा, यार कितना अच्छा काम है, बाहर इधर फील्ड में कहीं उन्हें ड्यूटी नहीं करनी होती कि कहीं अरेंजमेंट है यहाँ जाना है वहाँ जाना है, नहीं उनका काम है अपना जो काम है मैसेज पास करना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, वही उनका काम है, उसके अलावा वो बाहर का कोई अरेंजमेंट नहीं देते। इसके साथ ही जय हिंद। सॉरी।